क्यों दोस्तों, आप भी दिन भर बचपन का प्यार वाला गाना गुनगुनाते। अरे जनाब, इंटरनेट चीज ही ऐसी है जो आज के जमाने में परमाणु बम से कम नहीं है। अगर चाहे तो मात्र कुछ सेकंड्स में इंसान की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दे, और लोग उनकी तस्वीरों पर थूकना तक पसंद नहीं करते, तो वही कुछ लोगों को रातों रात चमकते सितारे की तरह इतना मजबूत बना देती है, जहां देखो लोग इन्हीं की चर्चाएं करते रहते हैं। फिर चाहे बचपन का प्यार गाने से फेमस हुआ है छोटा सा बच्चा सहदेव हो, या फिर अपने गाने से दुनिया भर के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली रानू मंडल हो। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी रातों रात सोशल मीडिया की वजह से बदल गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताऊंगा, बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। सहदेव, आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस समय सभी की जुबान पर रटे हुए बचपन का प्यार गाना गाने वाले सहदेव के बारे में। जाने मेरी जाने। बच्चे द्वारा गाया जाने वाला गाना आज हर किसी का फेवरेट बना हुआ है। क्या छोटा क्या बड़ा, हर इंसान इस गाने को गुनगुना रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुकमा जिले में रहने वाले सहदेव की किस्मत इस तरह पलट जाएगी, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वायरल हो रही वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सहदेव नाम के इस बच्चे ने बचपन का प्यार गाना गाया है, और इसकी आवाज इतनी अनोखी है कि हर कोई गाने की ओरिजिनल आवाज को भूल कर इस आवाज को पसंद कर रहा है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार में। पर आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे, सहदेव के पिता एक किसान है और इसके घर में ना टीवी है ना मोबाइल। इसने दूसरे के मोबाइल में सुनकर इस गाने को गाया था, और जब से इसका गाया हुआ गाना इंटरनेट पर आया है तब से लड़का हर जगह छा गया है। अहमद शाह दोस्तों, इस बच्चे को तो आप लोगों ने इंटरनेट पर बहुत बार देखा होगा। पीछे देखो, पीछे। पीछे तो देखो बोलने वाला एक छोटा सा बच्चा इंटरनेट पर रातों रात फेमस हो गया। आपको बता दें, पाकिस्तान के इस बच्चे का नाम अहमद शाह है, जो कि करीना कपूर खान के बेटे तैमूर से काफी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ तक कि ये बच्चा इतना ज्यादा फेमस हो गया कि लोग इसे पाकिस्तान का तैमूर भी कहने लगे, और अपनी इसी क्यूटनेस के कारण ये बच्चा पाकिस्तान में दूध बेचने वाली कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया है। इसके बाद इस बच्चे ने कई सारे विज्ञापन में भी काम किया, और अब ये एक स्टार की तरह जिंदगी जीता है। पीछे देखो, पीछे। जोमेटो बॉय सोनू दोस्तों, कुछ महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय सोनू ने अपनी प्यारी से मुस्कान से धूम मचा दी। 350 डेली का। हर कोई इनकी इस अनोखी सी स्माइल का कायल हो गया। असल में जब सोनू सामान डिलीवरी कर रहे थे, तभी इनसे एक कस्टमर ने बात की और अपनी बातों का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को जब कस्टमर ने सोशल मीडिया पर डाला तो ये वीडियो दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से फैलने लगा। एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर इस जोमेटो बॉय की अनोखी स्माइल को कॉपी करने लगे। यहाँ तक कि ये वीडियो इस हद तक वायरल हो गया कि जोमेटो ने अपने ट्विटर हैंडल की डिस्प्ले पिक्चर में सोनू की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी। एक मासूम सी हंसी ने न सिर्फ सोनू को फेमस कर दिया, बल्कि इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कहां ये फूड डिलीवरी करते हुए भटक रहे थे, और आज ये किसी स्टार से कम नहीं है। इंसेंटिव लगा के और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। विपिन साहू, अब ये वाला वीडियो आपको याद ही होगा, जिसमें एक शख्स पैराग्लाइडिंग करने के दौरान इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने गाइड को बोलता है, भाई 100-200 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन जल्दी से लैंड करवा दे। 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विपिन साहू है। पैराग्लाइडिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, और पैराग्लाइडिंग करते टाइम इनका जो रिएक्शन था उसने लोगों को हंसी से लुटपोट कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा डर रहे थे उतनी ज्यादा कॉमेडी कर रहे थे, और इनके डर से जो कॉमेडी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा नेचुरल थी, और इनकी इसी नेचुरल कॉमेडी ने इन्हें फेमस कर दिया। संजीव श्रीवास्तव, गोविंदा का स्टाइल कॉपी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जब अपने निजी शादी समारोह में संजीव श्रीवास्तव ने ठुमके लगाए तो हर कोई इनके डांस का दीवाना हो गया। अब सभी को पता है कि जब इन्होंने डांस किया तो इनका वीडियो रातों रात फेमस हो गया। यहाँ तक कि गोविंदा को अपना आइडियल बताने वाले संजीव श्रीवास्तव को न सिर्फ पूरे देश द्वारा पसंद किया गया, बल्कि खुद इन्हें गोविंदा से मिलने का मौका मिला, और अब जहाँ कहीं भी ये किसी को देखते हैं, लोग बस एक बार इनके लटके झटके देखने के लिए तरसते हैं।
बाबा का ढाबा। दोस्तों साल 2020 में लोगों के बने बनाए बिजनेस चौपट हो गए, लेकिन जब फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने बाबा का ढाबा चला रहे बाबा और उनकी पत्नी की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली तो लाखों की संख्या में लोग बाबा की मदद के लिए खड़े हो गए। न सिर्फ लोग इनके ढाबे में आकर खाना खाने लगे बल्कि कई सारे लोगों ने इन्हें आर्थिक तौर पर पैसे भेजकर मदद की। हालांकि बाद में उस पैसे को लेकर बाबा का ढाबा चलाने वाला बाबा और यूट्यूब गौरव वासन के बीच कंट्रोवर्सी भी हुई। हालांकि चीजें नॉर्मल भी हो गई, लेकिन अगर बात फेमस होने की करें तो वाकई में गौरव वासन की वीडियो ने बाबा का ढाबा चलाने वाले बाबा की जिंदगी बदल दी। तरकारी वाली। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग किसी की भी तारीफ करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तभी तो नेपाल के बाजार में सब्जी बेचने वाली एक लड़की की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर लोगों ने देखी तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सब्जी वाली इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। ये तरकारी वाली नेपाल समेत पूरे भारत में एक ही रात में फेमस हो गई और फिर नेपाली न्यूज चैनल ने इसे खोज कर इसका इंटरव्यू भी किया। रानू मंडल। अगर सोशल मीडिया ने किसी को सबसे ज्यादा सफलता दी है तो वो रानू मंडल ही है। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर अपना गुजारा करने के लिए गाना गाने वाली रानू मंडल का जब एक वीडियो इंटरनेट पर आया तो रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लोगों को इनकी आवाज इतनी प्यारी लगी कि हर कोई इनके पास वीडियो बनाने के लिए पहुंच जाता। देखते देखते इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि खुद हिमेश रेशमिया ने इन्हें अपने साथ गाना गाने का मौका दे दिया। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी इन्हें रहने में मदद की। पर इतनी अचानक से आई शोहरत रानू मंडल को हजम नहीं हुई, जिस वजह से जब ये फेमस हुई तो अपने गलत व्यवहार की वजह से इनकी काफी बदनामी भी हुई और एक रात में बनी इनकी इज्जत एक पल में चकनाचूर हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए।